हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 19 अप्रैल है और आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 4 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ड लैंडिंग। ये हार्ड लैंडिंग जो है ये जेट एयरवेज के ऊपर लिखा गया एक एडिटोरियल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हमारे देश में फेल हो रही हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट एयरलाइंस। दूसरा जो एडिटोरियल है ये बीजिंग सरप्राइज, ये चाइना की इकोनॉमी के ऊपर लिखा गया एक एडिटोरियल है। यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंटरवेंशंस किए हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद देखेंगे प्रेडिक्टेबल केओस इन लीबिया। लीबिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, पास्ट में लीबिया में क्या क्या हुआ, मुअम्मर गद्दाफी की रेजिम में क्या हुआ, फिर यूनाइटेड नेशन ने क्या स्टैंड लिया और उसके बाद वेस्टर्न पावर ने कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो आर्टिकल हैं शेमफुल मार्क ऑफ 5 ईयर्स, ये थोड़ा एक बायस्ड आर्टिकल हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें लिंचिंग के ऊपर, हेट क्राइम के ऊपर पढ़ने को मिलते हैं, तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच जाते हैं 2 आर्टिकल्स। आज फ्राइडे हैं तो आपको पता है एक यस नो एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इस टाइप का एक व्यू हमें पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर एस वाई कुरैशी साहब, कल हम डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने एक स्पेसिफिक आर्टिकल लिखा था इलेक्शन कमीशन को लेकर, और पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक टूथलेस या फिर एक पेपर टाइगर हैं, क्या उनके पास इतने ज़्यादा पावर्स नहीं हैं, ये सारी चीज़ों को कल हमने डिस्कस किया था। आज उसी प्रकार के व्यूज़ हमें पढ़ने को मिलते हैं, तो मैं आपको एक ब्रीफ प्रोवाइड कर देता हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है कि संविधान से इलेक्शन कमीशन को पावर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स नहीं हैं, बहुत सारे पावर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन फिर भी आज के जो बदलाव हैं, आज हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस हुए हैं और जिस प्रकार से ये पूरी जो गेम है इलेक्शन की वो चेंज हो चुकी हैं, तो ऑफ कोर्स हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स इलेक्शन कमीशन को देने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो है वो इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होती हैं उसमें जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो नहीं हो सकते। एस वाई कुरैशी साहब ने अपने एक आर्टिकल में कल ये बताया था कि हमें एक कॉलेजियम सेटअप करनी चाहिए। इस कॉलेजियम में 3 मेंबर्स होने चाहिए, एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और थर्ड जो हैं ये लीडर ऑफ ओपोजिशन या फिर लीडर ऑफ ओपोजिशन या फिर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन ओपोजिशन। अगर ऐसा कोई सेटअप हम करते हैं तो हम एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पॉलिटिकली बायस्ड हैं, लेकिन जो रूलिंग पार्टी हैं, जो गवर्नमेंट हैं, वही उन नामों को सिलेक्ट करती हैं और फाइनली एक व्यक्ति को अपॉइंट करती हैं। तो हो सकता है कि अगर ऐसा एक कॉलेजियम सेटअप किया जाए तो इसमें कुछ हमें एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, एक पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट व्यक्ति को हम अपॉइंट कर सकें और उसके बाद कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसा बदलाव भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो हैं वो पार्टी को रजिस्टर तो कर सकती हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना है, लेकिन उसी पार्टी को डी रजिस्टर करने का पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने, किसी कैंडिडेट ने कोई गलत बात कर दी, और बहुत सारे हमारे देश में रूल्स भी हैं, अगर आप चाहें तो कल का वीडियो देख सकते हैं या फिर कल का जो लेक्चर था हमारा 18 अप्रैल का लेक्चर जो है इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको 3-4 IPC के रूल्स भी पढ़ने को मिलेंगे, टेलीविज़न के साथ जुड़े हुए रूल्स हैं। तो ये सारे रूल्स जो दिए गए हैं उनको अप्लाई करने के लिए या फिर
अगर चीज़ें गलत हुई हैं तो इसको प्रूव करने के लिए बार बार अगर इलेक्शन कमीशन को कोर्ट के पास जाना पड़ता है तो ये एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, और शायद इसी वजह से बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कई बार लक्ष्मण रेखा को पार भी कर लेते हैं। तो अगर ये कुछ पावर्स इलेक्शन कमीशन को दिए जाते हैं कि जुडिशरी टाइप पावर्स, काजी जुडिशरी आप कह सकते हैं, कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि किसी व्यक्ति ने गलत बात कही है, कोई गलत काम किया है, तो फिर उस व्यक्ति को डिसमिस कर देना, ये सारी चीज़ें अगर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएं तो फिर चीज़ें डेफिनेटली बदल सकती हैं। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी इस आर्टिकल को लेकर। यहाँ पर जो है एक आर्टिकल ए स्ट्रगल टू ब्रीथ, इसकी भी एक ब्रीफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिल्ली के बारे में बात की गई है, और दुखद बात यह है कि हमारा फोकस जो है वो सिर्फ दिल्ली के ऊपर ही होता है जब हम पॉल्यूशन की बात करें, खास करके एयर पॉल्यूशन की। दूसरे बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स, इनका मतलब ये है कि जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम स्किपिंग दिस थिंग, लेकिन आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग एल्स विथ यू गाइज। मैं आपके साथ एक कोर जो इश्यू है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या सिर्फ एयर पोल्यूशन ही डेंजरस है? नो, एयर के साथ साथ नॉइज, वाटर, लैंड, ये सारे अलग अलग प्रकार के पोल्यूशंस हैं। हमारे देश में एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं समथिंग इज़ रॉन्ग विथ आवर अंडरस्टैंडिंग, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ आवर, आई वुड से, वे ऑफ लाइफ। और ये वे ऑफ लाइफ जो है ये कल्चर के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है। जब तक हमारे जो हमारे एक रहने का तरीका है इसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा, तब तक पोल्यूशन जो है इसकी चीज़, इसकी हालत जो है वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत अच्छा अभियान है, एक लंबे टाइम से ये अभियान चल रहा है, पिछले 5 सालों से ये अभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी देश की जो हालत है वो इतनी चेंज नहीं हुई है। और इसके पीछे क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही जो हमारा कचरा है, जो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, सब क्या सिर्फ गवर्नमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो, गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसी के साथ साथ ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम कचरा जो है वो यहाँ वहाँ ना फेंकें। हमारे देश में एक दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है लोगों को च्यूइंग टोबैको की आदत है, तो पान खाकर यहाँ वहाँ थूकना, इससे भी बहुत सारे डिजीज़ जो हैं वो स्प्रेड होते हैं। फिर कुछ एटिकेट्स होते हैं कफिंग के और स्नीजिंग के, तो इनको हमें फॉलो करना है। तो हेल्थ की जो सिचुएशन है ये चेंज होगी। नॉइज़ पोल्यूशन, बिना किसी, अगर हम ट्रैफिक नियमों को यू नो फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर लेन को अगर फॉलो नहीं करते, एक लेन है तो लोग यहाँ वहाँ हर जगह पर चलाते हैं, अननेसेसरी हॉकिंग करते हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी फैक्ट्रीज़, हम सब इसमें यू नो वी ऑल आर यू कैन से इक्वली रिस्पॉन्सिबल। पानी का वेस्ट करना, ग्राउंड वाटर का यू नो, जब ग्राउंड वाटर जो हैं हमारे देश में चाइना और यूएसए, इन दोनों को मिला ले, दोनों बड़े देश हैं, दोनों बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इन दोनों देशों में जितना ग्राउंड वाटर इस्तेमाल नहीं होता है उतना अकेला भारत करता है। वी आर नंबर वन व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड यूसेज। बहुत सारे लोग पानी की बर्बादी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं होगी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 से तो BS जो हैं भारत स्टैंडर्ड 6 आ जाएगा हमारे देश में, तो इंजन की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन भी थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बड़ी सी गाड़ी होती है 6 सीटर 7 सीटर में सिर्फ एक व्यक्ति गाड़ी लेकर चलते हैं, निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ों में हमें बदलाव लाना होगा। सो दैट्स एवरीथिंग। इसके अलावा आप कुछ यहाँ पर जो फिगर्स दिए गए हैं उसके ऊपर एक नज़र घुमा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ हार्ड लैंडिंग, ये जो बाकी के 4 आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर एक नज़र घुमाते हैं। जेट एयरवेज अब ऑफिशियली ग्राउंडेड हो चुका है। ग्राउंडेड का मतलब ये है कि अब उनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो फॉर टाइम बीइंग उनकी फ़्लाइट्स
आसमान में नहीं उड़ेगी। और इसके पीछे मेन रीज़न जो है, ये टेम्पररी होल्ड का मेन रीज़न है, उनके फंड्स जो हैं ये ड्राई अप हो चुके हैं, उनके पास फंड्स नहीं हैं। कुछ 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी इनको जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो आसमान में रहें, लेकिन बैंक्स ने अपना जो स्टैंड है वो फर्म रखा। बैंक्स ने इमरजेंसी फंड्स रिलीज नहीं किया। और इसके पीछे जो मेन रीज़न माना जाता है वो ये है कि बैंक्स के पास क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा शायद हो सकता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है, ईओआई का मतलब ये होता है कि बैंक्स के पास कुछ ऐसे पोटेंशियल बीडर्स हैं कि अगर जेट एयरवेज की नीलामी होती हैं तो बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो इस बिज़नेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंक्स ने ये डिसीजन लिया कि इमरजेंसी फंड्स जो हैं वो जेट एयरवेज को नहीं दिया जाएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। हमारे देश में जो एयरलाइन इंडस्ट्री है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है और इसके पीछे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी हैं। हाफ ए डज़न से भी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो ग्राउंडेड हो चुकी हैं, वो क्रैश हो चुकी हैं, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, एयर डेकन, एयर सहारा, इसके अलावा जेट एयरवेज हैं और दूसरे भी नाम हैं, एयर इंडिया। अगर एयर इंडिया को गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता, गवर्नमेंट से इनको अगर फंड्स नहीं मिलते, तो लंबे टाइम से एयर इंडिया जो हैं वो ग्राउंडेड हो चुकी होती। सबसे बड़ा जो इश्यू है एयरलाइंस का हमारे देश में वो है फ्यूल प्राइसेस। फ्यूल प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आपको पता है कि 80% जितना फ्यूल जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फ्यूल प्राइसेस। लेकिन सिर्फ फ्यूल प्राइस नहीं है, जो सबसे ख़तरनाक रीज़न है वो है रेकलेस कंपटीशन। एक तो एयरलाइन इंडस्ट्री की जो एक नेचर है इस बिज़नेस का, उसमें जो प्रॉफिट मार्जिनस हैं, भले ही बड़े बड़े प्लेन्स और बहुत सारी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारे खर्च भी एयरलाइंस में होते हैं। मेंटेनेंस है, फ्यूल का खर्च है, फिर एयरपोर्ट में आपको पैसे पे करने हैं, तो जो प्रॉफिट है ये बहुत ही वेफर थिन होता है, वेफर थिन मार्जिन में आपको मैनेज करना है। और बहुत सारे प्लेयर्स हो चुके हैं तो हर कोई एक दूसरे के साथ एक कट थ्रोट, एक रेकलेस कंपटीशन में है, और लोग चाहते हैं कि उनको कम से कम पैसों में एयर टिकट्स मिले, और यही डिमांड की वजह से एक प्राइस कंपटीशन जो चलती है, तो उसमें वेफर थिन मार्जिन एक नेचर है, तो फिर एयर फेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होते गए। और ये सारी चीज़ें पैसेंजर्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल हुई, लेकिन एयरलाइंस के लिए ये एक आप कह सकते हैं घाटे का सौदा बन गई। और दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि हमारे देश में एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो रिस्की है और इतनी सारी एयरलाइंस जो हैं वो क्रैश हुई हैं। Moving on to next article, it is about Chinese economy. China की economy जो है वो rebound हुई है, कुछ positive signatures या फिर signals हमें देखने को मिल रहे हैं। National Bureau of Statistics जो China का है, तो उन्होंने आंकड़े release किए हैं, 6.4% से expansion हुआ है पहले quarter का, 6.4% GDP, it's not bad, ये जो rate है ये काफ़ी अच्छा rate है, और ये जो एक्सपेक्ट किया गया था लास्ट ईयर उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर था उससे कहीं अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। रिटेल सेल्स और फैक्ट्री आउटपुट जो हैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और चाइना की इकोनॉमी की ये जो हालत है उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ ट्रेड टेंशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। अब चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी सॉर्ट आउट हो रही हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए, उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज भी दिया, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट्स, टैक्स के ऊपर डिस्काउंट्स दिए, और जिसको टैक्स एग्जेम्पशंस कहते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी भी काफ़ी ईजी कर दी, पैसे काफ़ी इंजेक्ट किए बैंक्स ने, और ये सारी चीज़ों से हमें एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल रही है। टोटल सोशल फाइनेंसिंग जो है ये 40% ज़्यादा हो गया, 8.2 ट्रिलियन यूएन फर्स्ट क्वार्टर में इंजेक्ट किए गए,
और ट्रेड टेंशन्स जो हैं यूएसए के साथ वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, तो इससे भी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे एक्सेलरेट हो पाएगा। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। चाइनीज एक्सपोर्ट्स रीच्ड ए 5 month हाई इन मार्च, राइजिंग 14.2% व्हेन कंपेयर्ड टू द सेम मंथ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। एक जो चिंता का विषय है वो ये है कि ऐसी जब सिचुएशन होती हैं कि जब पैसे जो हैं उनकी वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं लोन्स को बहुत ज़्यादा जब एक चीप किया जाता है, उसकी जो रेट है उसको ड्रॉप, लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उसको जब ड्रॉप डाउन की जाती है, तब बोरोवर्स जो हैं वो काफ़ी हेविली बोरो कर लेते हैं जब क्रेडिट इजीली अवेलेबल होती है तब। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी बहुत टाइट होने लगती हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, तब लोन के रेट्स को फिर इकोनॉमी को कंट्रोल, ये जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए लोन्स जो हैं उनके रेट्स को बढ़ाया जाता है, और उसके बाद एक सिचुएशन, एक ख़राब सिचुएशन हो सकती है जिसमें जो बोरोवर्स हैं वो बहुत बड़े कर्ज में डूब सकते हैं। तो ये फ़िलहाल इकोनॉमिक बूम की साइकिल अगर रिवर्स होती है या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये दो सिचुएशन में मॉनिटरी टाइटनिंग की जा सकती हैं, और तब वहाँ के बोरोवर्स जो हैं उनकी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो ये एक एसोसिएटेड रिस्क हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो शॉर्ट टर्म के ऊपर चाइना का बहुत ज़्यादा फोकस है, चीज़ें डाउन हो रही थी, नोज डाइव हो रही थी उनकी इकोनॉमी। तो ये जो कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताया है, तो ये सारे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इसकी क्या होगी, वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, इट इज़ अबाउट लीबिया। अफ्रीका आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और अफ्रीका में एक नॉर्थन अफ्रीका का एक देश है लीबिया, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अलग अलग देशों से घिरा हुआ ये देश है। नॉर्थन साइड में है भूमध्य यानी कि मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद क्लॉकवाइज अगर जाएं तो इट इज़ इजिप्ट, सूडान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, चाड है, नाइजर है, अल्जीरिया है एंड तुनिसिया, ये सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता ये देश है लीबिया। ट्रिपोली इसका कैपिटल है, और एक जनरल साहब है, इनका नाम है खलीफा हफ्तार। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इज़ द वन, ही इज़ खलीफा हफ्तार। और खलीफा हफ्तार जो हैं ये लीबियन नेशनल आर्मी के चीफ हैं, जनरल हैं, वो अब वापस आ चुके हैं लीबिया में। मुअम्मर गद्दाफी, इनका नाम आपने सुना होगा, एक तानाशाह थे लीबिया के, और इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपने शायद सुनी होगी। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ गद्दाफीज पर्सनल लाइफ। इनकी बायोग्राफी हमारी जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट चैनल है स्टडी आईक्यू, इसके ऊपर मेरे कलीग हैं सिद्धांत अग्निहोत्री, तो उन्होंने कवर की है, तो आप उनकी लाइफ को देख सकते हैं, गद्दाफी की लाइफ जो है, बायोग्राफी बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो 1969 में गद्दाफी को एक पोजीशन के ऊपर बैठाने के पीछे जो मेन रोल प्ले किया था वो थे ये खलीफा हफ्तार। उसके बाद उनकी कदाफी के साथ अच्छी नहीं बनी, वो फिर एक्साइल में चले गए, अपने देश को छोड़कर यूएसए में चले गए, और 1980s में यूएसए में चले गए, और 2011 में वो वापस आ चुके जब कदाफी जो हैं उनको ओवरथ्रो किया गया, उनकी हत्या की गई थी, उनको मारा गया, लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे, और उन्होंने इनको ढूंढा और फिर लोगों ने उनको मार दिया। तो ये एक दूसरा भी मैप है आपके लिए रेफरेंस के लिए, यहाँ पर मैंने रखा है, तो इसको देख लीजिएगा। कुछ बड़े बड़े यहाँ पर सिटीज़ भी हैं, त्रिपोली हैं, फिर दूसरा एक यहाँ का एक फेमस सिटी है इस बेंगाज़ी। तो बेंगाज़ी जो है वो कहाँ पर है ये आपको लोकेट करना है। अफ्रीका का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो सिटी है बेंगाज़ी, तो इसको लोकेट कीजिएगा, और बहुत सारे पिक्चर्स भी इस बेंगाज़ी के ऊपर, फिल्म्स इसके ऊपर बने हैं। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो हफ्तार हैं खलीफा, तो वो अपने आप को एक कंजर्वेटिव सलाफिस्ट बताते हैं, और इनको सपोर्ट हैं इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, वेस्ट एशियन दूसरे देशों का भी सपोर्ट है, वेस्ट एशियन यानी कि गल्फ कंट्रीज़ का। रशिया इनको ओपनली सपोर्ट करता है, और फ्रांस जो हैं वो पर्दे के पीछे से
हफ्तार को सपोर्ट करता है। हफ्तार जो हैं उन्होंने अब यहाँ पर एक ऑफेंसिव लॉन्च किया है वेस्ट लीबिया में, वहाँ पर जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर एक ऑफेंसिव यानी कि उनके ऊपर अटैक किए हैं और वहाँ की हालत थोड़ी ख़राब है लीबिया की। किडनैपिंग, बैटल्स, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ पर। बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हैं ट्राइब्स हैं, अलग अलग जैसे हमारे यहाँ पर कास्ट्स हैं उसी प्रकार से वहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स हैं, तो उनके बीच में टकरार चलते रहते हैं। त्रिपोली गवर्नमेंट जो हैं उनकी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, ना तो ऐसा कोई सिक्योरिटी कवर है उनका अच्छा, और ना तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है। पानी की हालत ख़राब है, पेट्रोल, ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पावर शॉर्टेज जैसे पेट्रोल की भी सिचुएशन जो सप्लाई है वो ख़राब है, और बैंक्स जो हैं वो भी इतनी अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस देश को, लीबिया को छोड़कर तुनिशिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 180 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हर जगह पर आपको गन्स और ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली यहाँ की सिचुएशन जो है वो एक वॉर टोन देश जैसी है। एक ऑयल रिच कंट्री है और एक ऐसा देश था अफ्रीका का जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे अच्छा था, और कदाफी के टाइम पर ही ये सारी चीज़ें हुई थी। फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, महिलाओं की लिटरेसी का रेट काफ़ी अच्छा था। महिलाएं जो हैं जो वर्क प्लेस पर जॉब्स करने वाली, बिजनेस करने वाली महिलाएं जो थे, तो उनका परसेंटेज काफ़ी अच्छा था कंपेयर टू अदर अफ्रीकन नेशंस। लेकिन फिर बाद में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहा था। देखिए यहाँ पर जो ये लीबिया है तो इसका बहुत सारा पार्ट जो है सहारन डेजर्ट का पार्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि पानी एक बड़ा इश्यू होता है यहाँ पर ऐसे डेजर्ट रीजन में। और एनीवे तो कदाफी के टाइम पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। उसके बाद वेस्टर्न नेशंस जो हैं, देखिए अगर आप इन सारे देशों की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, चाहे ये ये लीबिया हो, तुनिशिया हो, फिर जो गल्फ़ के कुछ कंट्रीज़ हैं इसमें कुछ नाम हैं, इराक हैं, ईरान हैं, ख़ास करके ईरान, इराक, दूसरे देश हैं, फ़िलहाल येमन जो एक देश है उनकी सिचुएशन ख़राब है, फिर सीरिया की सिचुएशन काफ़ी ख़राब चल रही है। तो इन सारे देशों को जब आप पढ़ेंगे, इनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने यहाँ पर काफ़ी इंटरवेंशन किया है। पूरा जो आइसिस है इसका जन्म तब हुआ जब बशर अल असद, ये फ़िलहाल सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, और वेस्टर्न पावर ने यहाँ पर इंटरवेंशन शुरू किया। वहाँ के जो रेबल थे उनको बशर अल असद यानी कि सीरिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जब वहाँ के यंगस्टर्स खड़े हुए, तो उनको आर्म्स सप्लाई करने के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन देशों ने मदद की, और यही जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने फिर अपना एक ग्रुप बना लिया, वहीं से आइसिस का जन्म हुआ। इराक की बात करें तो सदाम हुसैन जो हैं उनकी यूएसए से काफ़ी अच्छी बनती थी, लेकिन बाद में रिलेशनशिप बिगड़ गए और यूएसए ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये सेम सिचुएशन हमें दूसरे भी देशों में देखने को मिलती है, और लीबिया में भी यही स्टोरी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ग्रीन सिग्नल मिल गया और फिर यहाँ पर यूएसए और वेस्टर्न पावर ने अटैक कर दिया। कुछ टाइम पहले हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, जब हम नॉर्थ कोरिया के बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने आपको एक लीबियन मॉडल के बारे में ब्रीफ दी थी। तो यूएसए कई बार जब नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत होती हैं तो लीबियन मॉडल के बारे में बात होती हैं। तो ये जो लीबियन मॉडल है ये और कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरवेंशन करना नॉर्थ कोरिया में। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स लीबिया और दूसरे देशों के पास नहीं थे, जैसे कि इराक के पास, सीरिया, यमन, इन सारे देशों के पास नहीं है। अफगानिस्तान में भी देखिए आप, पहले रशिया ने यहाँ पर इसको कॉन्कर करने की कोशिश की, इनको निकालने के लिए, फिर यूएसए आया, और आज हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाल्कनाइजेशन ऑफ द नेशन का मतलब ये होता है कि देश जो हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाना,
और ख़ास करके यूएसएसआर की तरफ जब झुकने लगते हैं देश, तब वेस्टर्न वर्ल्ड यूएसए इनका हेड हैं, और उसके बाद सपोर्ट करने वाले बहुत सारे देश हैं जैसे कि यूके हैं, फ्रांस हैं, तो ये सारे जो पश्चिमी विचारधारा वाले देश जो हैं वो इंटरवीन करने लगते हैं। और बराक ओबामा साहब जो प्रेसिडेंट थे यूएसए ने, उन्होंने तो ये कन्फेस किया कि सबसे बड़ी गलती अगर उन्होंने की है तो वो ये है कि गद्दाफी को ओवरथ्रो करने के बाद उन्होंने यहाँ पर गद्दाफी को तो ओवरथ्रो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप करनी चाहिए थी वो सिस्टम डेवलप नहीं की। 65 से 1981 के बीच में यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया कि वो दूसरे देशों के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे, लेकिन 1990s के बाद यूनाइटेड नेशन को भी साइड में रखते हुए वेस्टर्न वर्ल्ड ने काफ़ी अलग अलग देशों में आप कह सकते हैं इंटरफियरेंस किया है। कोल्ड वॉर के बाद एक नया फिनोमिना हमें देखने को मिला है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स, इन सारी चीज़ों के नाम पर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इस प्रकार के देशों के ऊपर ओवरटेक करते रहे हैं। तो ये पूरा जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल लिखा है ये हमारे एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ने लिखा है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है, और उनकी ही कुछ लाइन जो हैं वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं आपके लिए, ताकि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसको रिवीजन करें तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स, बेसिकली मैंने आपको ओवरव्यू और एक इनडेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया है। सो दिस इज द सिचुएशन इन मैनी डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड नाउ द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, ए शेमफुल मार्क ऑफ 5 years। इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के 5 सालों के बारे में काफ़ी निंदा की गई है। अब इलेक्शंस का माहौल चल रहा है तो ये सही है गलत है आई विल लीव इट ऑन यू गाइस टू डिसाइड, लेकिन जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। लिंचिंग का मतलब है जब भीड़ जो है वो मिलकर लोगों को मारने लगती है, मार डालती है, तो उसको कहते हैं लिंचिंग। लिंचिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है। बेसिकली तीन प्रकार के इस प्रकार के जो ग्रुप के द्वारा, भीड़ के द्वारा किए गए जो क्राइम्स होते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं। एक है एक ओकेशनल और रैंडम क्रिमिनल एक्ट्स होती हैं, इसकी कोई पैटर्न नहीं होती है, ऑल ऑफ द सडन लोग इकट्ठा होकर रेबेल करते हैं या फिर किसी व्यक्ति को या ग्रुप को मार डालते हैं, उसके बाद इसकी कोई पैटर्न नहीं होती है, तो ये एक है। सेकंड है रफ जस्टिस जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है और जो चोर हैं, जो रेपिस्ट हैं, तो लोग उनको मारने लगते हैं, मार डालते हैं, तो ऐसा लैटिन अमेरिका और इंडोनेशिया में काफ़ी हमें देखने को मिलता है। और तीसरा जो है ये है हेट क्राइम्स, किसी एक ग्रुप के लोग, किसी एक धर्म के लोगों को मार डालना, उनको टारगेट करना, जो हमारे देश में हमें देखने को मिलता है या फिर मिला है, तो ये हैं हेट क्राइम। अमेरिका में 20th और 19th सेंचुरी में जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे तो उनके ऊपर काफ़ी जुल्म उठाए गए थे। एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, शायद आपने देखी होगी, इसका नाम है जेंगो, कभी अगर टाइम मिले तो देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें जो अमेरिका में 19th सेंचुरी में जो स्लेवरी और ये सारी चीज़ें होती थी तो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इस फिल्म में दिखाया है, शायद इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो ये रेशियल टेरर, जो अफ्रीकन अमेरिकन जो काले लोगों को मारा जाता था, और इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि एक फियर उनके अंदर पैदा करना था, एक वायलेंट डोमिनेंस का मैसेज, और एक यू नो आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए लोगों को टारगेट किया जाता था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ आइटम्स के बारे में। सेकंड फेज जो है इसमें 67% टर्नआउट हुआ है, विच इज़ नॉट दैट बैड। सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में 78%, और बाकी जो पूरा लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फिर LOC जो क्रॉस LOC ट्रेड होती हैं, तो इसके ऊपर एक स्टे लगाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और द मेन रीज़न इज़ के मिसयूज़ किया जाता था इसका, आर्म्स और ड्रग्स डीलर जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों की तस्करी करते थे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, वेपन्स, नारकोटिक्स और फेक करेंसी को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर एक स्टे लगाया गया है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक जीनोम सिक्वेंसिंग जो है मैप
करने वाली हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है कुछ 1000 रूरल यंगस्टर्स के जो जीन्स हैं उसको कलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी है हमारे देश की, और दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसी प्रैक्टिस जो है वो की जाती हैं। ये सबसे पहली बार इस प्रकार की एक्सरसाइज हम यहाँ पर करने वाले हैं। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना एक जेट ट्रेनर है, इससे जो हमारे जो जेट पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पर कुछ एक मॉडिफाइड वर्जन जो हैं वो हमारे सामने रखा है HAL ने, और इसमें कुछ खराबियां महसूस की गई थी 2016 में, तो 3 सालों के बाद ये फिर से यूटिलिटी में, इसकी यूटिलिटी जो है या फिर इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। इसका नाम जो एयरक्राफ्ट का नाम है, इट इज़ HJT-36। मूविंग ऑन, इंडियंस जो लीबिया में रहते हैं, लीबिया के बारे में काफ़ी सारी बातचीत हमने कर ली है, तो एक वार्निंग दी गई है, वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है एज़ यू नो। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इनकेस अगर आपके कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर हैं तो उनको ये नंबर प्रोवाइड कीजिएगा, इस नंबर से उनको हेल्प मिल जाएगी। नॉर्थ कोरिया जो हैं उन्होंने ये बताया कि माइक पोम्पियो जो हैं उनको टॉक से ड्रॉप किया जाए। उन्होंने ये बताया है कि कोई मैच्योर लीडर USA को प्रेजेंट करना चाहिए, और UK की जो एक बॉडी है, UK इज़ रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी जो है ये एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एकेडमी है, और UK और कॉमनवेल्थ में जो साइंस है उसको प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड्स देती है, इसको द रॉयल सोसाइटी कहा जाता है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है यूसुफ हमीद, और ये हमारे देश में एक बहुत ही फेमस कंपनी है सिप्ला, तो उनके चेयरमैन हैं, तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। ये हैं आपके वोकैब बोर्ड, एक्सुबरेंट, मिराकल, पेरिलियस एंड टर्बुलेंस। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आप अपने व्यूज़ और सारी चीज़ें जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। लेक्चर की PDF आपको इन 4 सोर्सेज से मिल जाएगी। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। I'll see you with daily current affairs, a daily financial news analysis. Till then, enjoy your streets. God bless you all. Jai Hind.